देख रहे हैं, दबा के विकास कर रहे हैं। देखो ना, सरसों का तेल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, डीजल कहाँ पहुँचा दिया, डीजीपी कहाँ पहुँचा दी कुएं में, कहाँ विकास हुआ? हाँ वही तो, इनकी नजरों में विकास है, आम आदमी को मारना इनकी नजरों में विकास। गैस के इन्होंने खुद इतना विकास कर दिया कि भाजपा तो आनी नहीं, क्योंकि आम इंसान अब इसको जान गया है, क्योंकि इसके बस की, ये कहते हैं कि हम इंसान का विकास करेंगे, हम यूपी का विकास करेंगे, पर और ये तो बर्बादी पे है। आम अनाज से काम चल जाता है, काम तो चल चलाना पड़ रहा है, करते कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाते हैं। जनता के पैसा जो जनता के विकास पर लगाना चाहिए, विज्ञापनों पर लगाते हैं, बड़े बड़े वो बैनर इनके देख लोगे रोडों पर। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। जी विकास भाई, कितना विकास हुआ है? विकास तो भैया हो ही ना रहा, और गर्त में जा रहा है इंसान। क्यों विकास कर रहे मोदी जी, योगी जी कर रहे दबा के विकास कर रहे हैं। देखो ना, सरसों का तेल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, डीजल कहाँ पहुँचा दिया, डीजीपी कहाँ पहुँचा दी कुएं में, कहाँ विकास हुआ? हाँ वही तो, इनकी नजरों में विकास है, आम आदमी को मारना इनकी नजरों में विकास है, आम आदमी को परेशान करना। जितने भी ये सभी कानून लाते हैं, जितने भी ये एक्ट लाते हैं, सारे जनता के विरोधी है। आम इंसान को रोटी खाने के लाले हैं वो बेचारा, अगर रेड़ी पटरी लगाएगा, पुलिस वाले आएंगे, सरकार आएगी, उसको हटाएगी तोड़ेगी, कभी वो ये नहीं देखती कि क्या नाम है इनके, रोटी घर गृहस्थी कह रहे चल लिया। लॉकडाउन में कितनी मौतें हुई हैं भुखमरी से, ये बता दे सरकार, या सरकार ने कितनों की मदद करी? क्या 5 किलो अनाज दे दिया है भैया? 5 किलो अनाज, मतलब अनाज कच्चा तो खाया ना जाएगा, उसे पीसने के लिए चक्की के लिए पैसा भी चाहिए, कहाँ से लाओगे पैसा? आमदनी कह तो नहीं बढ़ गई। और गेहूँ दे दिया तो अपने आप उसकी रोटी भी नहीं बन जाएगी, उसको रोटी बनाने के लिए गैस भी चाहिए, कहाँ है गैस? गैस के इन्होंने खुद इतना विकास कर दिया कि वो भी बस गर्त वो कर दिया। क्या करते हैं आप फिलहाल? तो मैं जॉब ही करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब तो सैलरी वाली बड़ी है, प्राइवेट जॉब में नहीं घटी है भैया सैलरी तो? क्या ना कि आमदनी बढ़ गई, आप लोग जितने भी मिल रहे हैं सब कह रहे हैं घटी है, ऐसा क्या? जो पहले खर्चा, मतलब सब चीज़ होने के बाद भी 5-1 हज़ार रुपये बच, 4-5 हज़ार रुपये बच भी जाते थे बड़ी मुश्किल से अपना एक टाइम का खा पी का, आज के टाइम में वो दुगना तिगना किराए में जा रहा है, किराए में कुछ नहीं बच रहा जिसे कहते हैं बच्चे पढ़ाने वाले। और क्या देखते हैं, यूपी में फिर चुनाव आ रहा है, अब बड़े बड़े वादे हो रहे हैं सरकार की तरफ। यूपी में तो इस बार ये सपा, ये तो भाजपा तो आनी नहीं, क्योंकि आम इंसान अब इसको जान गया है, क्योंकि इसके बस की, ये कहते हैं कि हम इंसान का विकास करेंगे, हम यूपी का विकास करेंगे, पर और ये तो बर्बादी पे है। आम इंसान वो कोई सा भी तबका हो, वो इनसे खफा है। और इस बार तो भर गए होंगे सड़क का गड्ढे तो भर गए होंगे। अरे कहाँ, आप देख रहे ना, ये देख लो, ये रोड भी है सपा समाजवादी पार्टी द्वारा बनाई गई थी, आज भी ये ऐसी हैं। और अगर गड्ढे भर गए हैं तो आप इन पर कैमरा मार लो, देखो कहाँ भरी है, ये देख लिए कहाँ भरी है, आपको पता चला वो बीच रोड पर देख लीजिए। अच्छा, ये सरकार केवल बोलती है, करती कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, केवल हल्ला मचाते हैं। जनता के पैसा जो जनता के विकास पर लगाना चाहिए, विज्ञापनों पर लगाते हैं, बड़े बड़े वो बैनर इनके देख लोगे रोडों पर, अभी देख लो ये सारे इन्हीं के लग रहे हैं, तो इस तरह ये पैसा बर्बाद करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। और इस बार ये सपा है, इस बार आएगा यूपी में हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद रावण, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी से। अच्छा, मतलब गठबंधन करके आएंगे साथ में? गठबंधन करके आएंगे, क्योंकि वे हर जब भी किसी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पहुँचते हैं, जो संभव होता है उस तरह की कोशिश करते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, मदद के लिए। प्रशासन से भी बोलते हैं कि भाई जब इनका हक है तो इनको दो, हक अधिकार के लिए भी लड़ते हैं, हक अधिकार के भी लड़ते हैं बिल्कुल। क्या नाम है? विकास। आपका ही विकास नाम है? जय भीम। तो विकास हो रहा हो जी अंकल? क्या नाम है? राम सुंदर। क्या लगता है, थोड़ा इधर आ जाइए पास में आइए, रोड चल रहा है ना, क्या लगता है कितना काम हुआ प्रदेश में? काम धाम तो भैया ऐसे ही है, देख लो है ही नहीं काम धाम, बड़ी दिक्कत है। वैशाली में ठेल लगाता हूँ, 800-900 की सेल होती थी, 300 रुपये की सेल, मैं क्या कर लेगा आदमी, क्या कर लेगा आदमी? कह रहे हैं कि महंगाई वंगाई हुई तो आमदनी बढ़ी है, आदमी मर रहा है, क्या करे? आमदनी नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, खर्चा इतने आदमी क्या करेगा? क्या लगता है अब फिर चुनाव आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे, पोस्टर आप देख रहे होंगे, क्या लगता है माहौल? बस ये पोस्टर ही लगा रहे हैं बस, गरीबों को ले क्या कर रहे हैं? क्या माहौल क्या है, आप यूपी चुनाव का क्या माहौल देखते हैं? आपके तो ठेली लगाते हैं, दिन में 10 लोग आपको मिलते होंगे, क्या माहौल देख रहे हैं भैया? ये जो आप देख लो, पहले 800-1000 की सेल कर लेते, अब 300 रुपये में क्या कर लेगा आदमी, बताओ? खर्चे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, बताओ क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा, दिक्कत बताओ, बहुत दिक्कत है भाई साहब। बिल्कुल साहब, तो क्या लगता है माहौल चुनाव में, आज वापसी करेगी सरकार? कह रही 350 सीटें लेके आएंगे। वापसी तो जो इन्होंने बताया वही होएगा, सोनू ने बताया लड़के ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, वो जो विकास भाई बताया गए कि विकास तो हुआ नहीं है, अब आएगी नहीं हुआ, सही बात बता के गए, वो भी सही बता के गए। हाँ,
बिल्कुल साफ तौर पर जो है, ठीक है, साफ तौर पर लोगों का काफ़ी जनता जो है नाराज़ नज़र आ रही है। और देख सकते हैं कि दिखा दें कि जिस तरीके से मज़दूर ठेले वाले से बात की, लगातार जो दिन भर काम करते हैं, एक बार अगर थोड़े दो मिनट के लिए फ्री होंगे तो भाई से बात करेंगे कि कितना कमा लेते हैं, क्योंकि महंगाई का असर बहुत ज़्यादा है। तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, और सरकार कह रही है कि आमदनी भी दुगनी हुई है। लेकिन अभी जो हमने लगातार कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी नहीं हुई है। हवा जो है इस टाइम जो है, जैसे सरकार कह रही है कि 350 सीटें लेके आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जनता ये कह रही है कि बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। एक सेकंड बाद दादा, क्या आमदनी में बढ़े कि नहीं, काम कैसा चल रहा? कुछ भी ना चल रहा, रोटियों का भी ना कम रहे, रोटी भी नहीं मिल पाती, ढंग से रोटी भी नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि आमदनी उमदनी बढ़ी है, सरकार तो बहुत दावा कर रही है, बड़े बड़े कुछ भी नहीं मिल रही है। अनाज अनाज मिल रहा है कि नहीं? अनाज तो मिल रहा है, अनाज से काम चल जाता है? तो काम तो ना चल चलाना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है। दिन भर कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? हम लगा लो 8 बजे आते हैं, 8 ही बजे जाते हैं, 12 घंटे पूरे। 12 घंटे में आमदनी हो जाती है अच्छी खासी? नहीं, कुछ भी ना हो रही, रोटियों का भी ना कम रहे, बता तो रहा हूँ। पहले से काम कम है? पहले से बहुत ही कम है, ना के बराबर, ना के बराबर है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है बहुत। हाँ ये बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लगता है चुनाव होना में? तो क्या लगता है, ये क्या कहें बताओ? बिल्कुल साफ तौर पर बात करने चाह रहा था भाई से और दिक्कत बता रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि जनता नाराज लग रही है, लेकिन क्या ये नाराजगी, ये महंगाई का मुद्दा वोट तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।